So, देखो क्या कहा है. There is a charge capacitor of 30 microfarad and it is connected to 27 millihenry inductor. So, find out the condition for resonance. आसान क्वेश्चन है. हमें पता है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC. तो ये 1 इंडक्टेंस कितना है इंडक्टर 27 × 10⁻³ मिली हेनरी. सो 10⁻³ आ गया. कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैराड 30 × 10⁻⁶. ठीक है. सो देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 27³ ये 0 × 10⁵ करेगा 10⁵ 10⁻³ 10⁻¹. दिस इज 1 अपॉन 9 × 10⁴. ठीक है. दैट इज 10,000 upon 9 जो कुछ भी आंसर आएगा 1.1 × 10�³. 10/9 is 1.1 × 10�³. ओमेगा नॉट की वैल्यू है. आप इसे हर्ट्ज भी कह सकते हो या रेडियन पर सेकंड भी कह सकते हो. ठीक है. देखो ना ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. इफ आर इक्वल टू 9 ओहम एल इक्वल टू 2 मिली हेनरी एंड ईएमएफ इक्वल टू 18 वोल्ट करंट आई थ्रू द बैटरी just after the closing of switch will be. देखो रेजिस्टेंस है 9 ओम का, इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस है 18 वोल्ट. ठीक है. जस्ट आफ्टर स्टार्ट करंट बताना है और कंस्ट्रक्शन कैसा है. तो देखो कंस्ट्रक्शन या सर्किट डायग्राम इस प्रकार से है.
ऐसी अरेंजमेंट है, दिस इज इंडक्टर एल, यह है ईएमएफ पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज आर, आर आर एल सी, देखो हमें यहां पर कहना पड़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू है 9 ओम, इंडक्टर की वैल्यू है 2 मिली हेनरी और ईएमएफ दिया है 18 वोल्ट और करंट पूछा है, क्या कंडीशन दी है, जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ स्विच, ये स्विच इमीडिएट क्लोज करने के बाद रेजिस्टेंस बताओ। तो देखो हमें यहां पर कहना पड़ेगा एट स्टार्ट इंडक्टर वी अपर रेजिस्टेंस, इंडक्टर विल ऑफर रेजिस्टेंस। क्यों ऐसा कह रहे हम, क्योंकि देखो सर्किट में शुरुआत में करंट था क्या, नहीं। अब जैसे करंट फ्लो होगा, स्विच ऑन हुआ तो फील्ड एस्टेब्लिश होगी, सो जो इंडक्टर है ये चाहेगा कि इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज ना हो, मतलब क्या पहले करंट नहीं था तो ये चाहेगा अभी भी करंट ना रहे, सो इसलिए इंडक्टर विल ऑफर रेजिस्टेंस। एंड कैपेसिटर क्या करेगा, विल स्टोर चार्ज, क्योंकि पहले कैपेसिटर के पास चार्ज ही नहीं था, सो इसके कारण इसके आगे करंट फ्लो नहीं होने वाला है, यहां पर चार्ज पॉजिटिव आकर जमा होगा, यहां पर निगेटिव चार्ज जमा होगा, इंडक्टर विल वर्क एज रेजिस्टर, ठीक है। सो ये यहां से करंट को फ्लो होने के लिए परमिशन नहीं देगा, सो इक्विवेलेंट डायग्राम देखो कैसे बन जाएगी, जैसे ही स्विच क्लोज किया देखो इंडक्टर इनर्शिया जैसा काम करता है, ये इसके साथ एसोसिएटेड स्टेट या कंडीशन चेंज होने के लिए अपोज करता है, सो इंडक्टर अपने में से करंट फ्लो होने के लिए अपोज करेगा, यहां से शुरुआत में रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण करंट फ्लो नहीं होगा, फिर यहां से होगा, अगेन ये रेजिस्टर रहेगा, इंडक्टर विल अगेन ऑफर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा, मतलब यहां पर पॉजिटिव आकर जमा होगा, यहां पर निगेटिव आकर जमा होगा, सो एज इफ इट करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हो शुरुआत में चार्ज नहीं है तो इसके बीच का पोटेंशियल जीरो रहेगा, धीरे धीरे जैसे चार्ज जमा होगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा और फिर पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉजिटिव का इक्वल टू पॉजिटिव यहां पर हो गया तो फिर करंट फ्लो होना बंद होगा, इनिशियली यहां से करंट फ्लो होने वाला है। सो देखो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऐसे बन गए। अब आप इसे देखोगे दिस इज जस्ट लाइक ये आर, यहां से तो करंट फ्लो नहीं होने वाला है, सो ये इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन जाएगा। तो यहां पर दिस टू रेजिस्टर्स विल बी इन पैरेलल, सो करंट हो जाएगा ईएमएफ अपॉन आर
EMF है 18 वोल्ट का, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, पूरा पार्ट समझने का है। इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर कैसे बिहेव करने वाला है। यहां पर देखो एक बार फिर से, ऐसा क्यों लिया, इंडक्टर इज एनालॉगस टू इनर्शिया, मतलब क्या, ये अपने साथ एसोसिएटेड कंडीशन चेंज होने नहीं देगा। सो जस्ट आफ्टर स्टार्ट या जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, पहले करंट जीरो था तो ये इंडक्टर चाहेगा कि मेरे साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज ना हो, दैट इज d5/dt शुड बी जीरो, मतलब यहां पर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो क्या करेगा, ये अपोज करेगा, ठीक है। सो शुरुआत में ये अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट करेगा और करंट को नलीफाई करेगा। सो इंडक्टर विल अपोज रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, वैसे ही सेम यहां पर कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर के पास चार्ज ही नहीं है तो कैपेसिटर फटाक से ये चार्जेस को अपने तरफ लाकर स्टोर करेगा। सो चार्जेस पॉजिटिव इधर आ रहा है, निगेटिव इधर आ रहा है, सो ये सर्किट क्यू में पार्टिसिपेट करेगा और करंट फ्लो करने में मदद करेगा, ठीक है। इसका मतलब यहां का रेजिस्टेंस जीरो रहेगा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा, बस ये इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से बन गया। ये दोनों पैरेलल में आ गए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, करंट निकाल लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग LCR इज बेटर फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए इसमें से कौन सा अच्छा रहेगा, ऑप्शन दिए हैं है। ये करंट सॉरी रेजिस्टर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू है, तो इसमें से कम्युनिकेशन के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। सो देखो हमने क्वालिटी फैक्टर के बारे में लिखा है, क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा नॉट अपॉन 2 times डेल्टा ओमेगा, इसे ही लिखा था, ओमेगा नॉट इंटू एल अपॉन आर, ठीक है। क्या ओमेगा नॉट की वैल्यू मैं 1 अंडर रूट एल सी लिख सकता हूं, तो क्या ये वैल्यू 1/r अंडर रूट एल बाय सी हो जाएगी, क्या इसे ही मैं 1/l आर स्क्वेयर सी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से हमें ध्यान में आएगा
फॉर बेटर क्वालिटी फैक्टर lower higher L and lower R and C. ठीक है, सो देखो अब ये बड़ा सिंपल हो गया है. L की वैल्यू हाईएस्ट जहां पर है वहां पर ही R और C की वैल्यू लोवेस्ट है. बस ऑप्शन C को टिक कर लो. देखो कम्युनिकेशन के लिए अच्छा वही कहा जाएगा जिसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा है. क्वालिटी फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन आर स्क्वायर सी. सो एल ज्यादा चाहिए और आर और सी कम चाहिए. ये भी क्वेश्चन अच्छा है. द रेजिस्टेंस अक्रॉस सॉरी द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज एटी वोल्ट फोर्टी वोल्ट एंड हंड्रेड वोल्ट रिस्पेक्टिवली फाइंड पावर फैक्टर. चलो सोचो बर कैसे निकालोगे. पावर फैक्टर मतलब क्या निकालना है. व्हाट इज पावर फैक्टर. देखो क्या कहा था, हमें कहा था द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 80 वोल्ट 40 वोल्ट एंड 100 वोल्ट रिस्पेक्टिवली फाइंड पावर फैक्टर. पहले तो ये ध्यान में आना चाहिए पावर फैक्टर मतलब कॉस फाइ पूछा है. इफ दैट इज द केस हमें ये ध्यान में आना चाहिए फाइ इज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. और फिर हमें ये चीजें पता है कि अक्रॉस रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. इंडक्टर में करंट लैग करता है कैपेसिटर में करंट लीड करता है. ठीक है, फिर ऐसा है तो हमने डायग्राम निकाल ली. दिस इज वी आर करंट एंड वोल्टेज फेज में है तो आई भी यही रहेगा. इंडक्टर में करंट लैग करता है मतलब वोल्टेज लीड करेगा सो करंट के आगे वोल्टेज रहेगा. कैपेसिटर में करंट लीड करता है मतलब वोल्टेज पीछे रहेगा. वी एल वी सी लिख दिए. फिर ये वी सी माइनस वी एल विल बी 100 माइनस 40 दैट इज 60. वी आर की वैल्यू है 80 वोल्ट. पाइथागोरस से आपको ध्यान में आना चाहिए था सर ये 80 है ये 60 है तो ये 4 × 4 = 3 ये 5 100 वोल्ट इसका इक्विवेलेंट आना चाहिए. और फिर कॉस फाइ आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 80 अपॉन 100. चलो an inductor of 20 millihenry capacitor of 50 microfarad and resistor of 40 ohm are connected in series
across a source of V equal to 10 sine 340 t. Find the power loss तो देखो हमें दिया है L 20 मिली हेनरी, C दिया है 50 माइक्रो फैराड, R है 40 ओम एंड V है 10 साइन 340 t. यहां से आपको ध्यान में आ जाएगा V not equal to 10 and omega equal to 340. ठीक है, अब देखो पावर कंजम्पशन क्या होगा, यहां पर LCR है तो पावर कंजम्पशन रहेगा V into I अपॉन 2 इंटू कॉस फाइ. ठीक है, सो देखो वी नॉट की तो वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता नहीं है. अब क्या कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं आई को वी बाय जेड. सो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जेड इंटू कॉस फाइ. ठीक है, अब देखो z के लिए हमें जरूरत है xc और xl की. सो xc आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा c आता है 58.8 और एक्सेल आ जाएगा ओमेगा इंटू एल. ये आएगा 6.8. ठीक है, सो ये रिलेशन बन जाएगा पावर का V स्क्वेयर. ठीक है, दिस इज 10 बाय रूट 2 का स्क्वेयर. V नॉट की वैल्यू 10 है, तो आ जाएगा 10 स्क्वेयर Z की वैल्यू निकाल ले क्या पहले. R की वैल्यू है 40 का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, ये बन जाएगा 52 का स्क्वायर. ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 को पुट करेंगे. cos phi की वैल्यू क्या रहती है यहां पर, r by z. पूरी पावर कंजम्पशन आ जाएगा, इसे i को v by z लिखते तो v स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू आती है 65.5.
इंटू आर की वैल्यू है 40 अपॉन 60.65.5 ये आ जाएगा 0.46। सो पावर कंजम्पशन इन द सर्किट विल बी 0.46 वैट। ये कुछ भी नहीं, सिंपल है। एल सी आर की वैल्यू है, पावर इज वी आई कॉस फाइव बाई टू, ठीक है। आई को वी बाई जेड लिखा तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन टू जेड कॉस फाइव। जेड निकालने के लिए एक्स सी एक्सएल लगेगा, वैल्यूज पुट कर दी, जेड की वैल्यू आ गई, कॉस फाइव आर बाय जेड है वो भी पुट कर दिया, आंसर आ गया। ट्रांसफॉर्मर हैविंग इफिशियंसी इक्वल टू 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। If current in secondary is 6 ampere, find potential difference across secondary and current in primary. देखो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 90% डी है, सो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इसका रेशियो 0.9 रहेगा, ठीक है। और क्या दिया है हमें, प्राइमरी में जो सप्लाई हो रहा है इट इज 200 वोल्ट, और जितनी पावर सप्लाई हो रही है प्राइमरी को दैट इज 3 किलोवाट। करंट इन सेकेंडरी इज 6 एम्पियर, ठीक है। सो देखो क्या मैं ऐसा कहूं, इनपुट पावर पावर इनपुट इज पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी, सो यहां से हमें मिलेगा करंट इन प्राइमरी इक्वल टू इनपुट पावर अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी 3 × 10³ अपॉन 200 दैट इज 15 एम्पियर। ठीक है, अब देखो इफिशियंसी का भी फॉर्मूला पता है, सो हमें आउटपुट पावर पता रहेगी इज 0.9 टाइम्स इनपुट पावर, दैट इज 2.7 किलोवाट। ऑल्सो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर ठीक है। करंट इन सेकेंडरी पता है 6 एम्पियर, ये रेशियो है 0.9 That is 9/10। वोल्टेज इन सेकेंडरी निकालना है, करंट इन सेकेंडरी है 6
वोल्टेज इन प्राइमरी है 200 और करंट इन प्राइमरी है अभी निकाला है 15। ठीक है, अगर ऐसा है तो VS इक्वल टू 9 × 200 × 15 / 10 × 6। Three fives are 45, 45 by 2, sorry, 2 tens are 9 fives are 45, 45 tens are 450। सो सेकेंडरी का वोल्टेज रहेगा 450 वोल्ट। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा? स्टेप अप स्टेप डाउन। क्या कहेंगे इसे? सेकेंडरी आउटपुट का पोटेंशियल बड़ा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा समझ कर करना। अ प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी ऑफ 10 वोल्ट draws a current of 1 mA. The number of turns of the primary and secondary winding are 50 and 100 respectively. Find VS and IS. चलो सोचो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों भी आंसर्स गलत है। सवाल पढ़ो ठीक से, ध्यान में आएगा कि ये क्यों गलत है। देखो क्या कहा, अ प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी ऑफ 10 वोल्ट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 mA। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर 50 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। फाइंड सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट। डायग्राम निकाली, प्राइमरी वोल्टेज है, ये डीसी सोर्स को कनेक्ट किया है, करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी के टर्न्स दिए हैं, प्राइमरी के टर्न दिए हैं। सेकेंडरी का वोल्टेज एंड सेकेंडरी का करंट निकालना है। हमारा रिलेशन है वीपी अपॉन वीएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी। इसी को लेकर हमने आगे बढ़े, फिर भी ये सभी जो किया है वो गलत है। क्यों बताओ? आया क्या ध्यान में?
Transformer works on mutual inductance, where change in flux because of change in current is necessary. ये डीसी सप्लाई है तो क्या इसके कारण फ्लो होने वाला करंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा क्या? नहीं सर. सो एक बार यहाँ पर करंट सेटअप हो गया तो उसके बाद क्या करंट चेंज होने वाला है क्या? नहीं, करंट चेंज नहीं होगा. तो क्या उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं. अगर प्राइमरी के थ्रू साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो सेकेंडरी के साथ लिंक फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं. अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी जीरो. देन ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट विल बी जीरो. डीसी सोर्स कहीं पर भी इंडक्टेंस का काम नहीं करेगा once it is established. ठीक है, जीरो से आए तक ठीक है, पर एक बार वो एस्टेब्लिश हो गया तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. क्या ध्यान में आया? ये बहुत बहुत जरूरी है. ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो, ऐसा ये सवाल नहीं है. बेसिक ट्रांसफार्मर का वर्किंग हमें ध्यान में आना चाहिए. चलो, दो क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं. ठीक है, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम is placed in magnetic field. If magnetic flux phi link with coil varies with time as pi equal to 50 t square plus 4. Find current when t equal to 2 second. दूसरा और एक क्वेश्चन है. इस प्रकार से इंडक्टर दिया है, कैपेसिटर दिया है एंड रेजिस्टर दिया है. इसके अक्रॉस कोई तो एसी सप्लाई है. ठीक है, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल है V1, V2 एंड V3. ठीक है, ये टोटल है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई. V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 300 वोल्ट. फाइंड करंट I एंड V3. ठीक है, फाइंड करंट I एंड V3, साथ ही साथ दिया है V. बस इतना ही निकालना है. यहाँ का रेजिस्टेंस दिया है सिर्फ R इक्वल टू 100 ओम है. ठीक है, और एक क्वेश्चन है, लिख लू क्या? अ 220 वोल्ट सप्लाई is given to a transformer.
करंट आउटपुट इज 2 एम्पियर एट 440 वोल्ट. इफ इफिशियंसी इक्वल टू 80%, फाइंड करंट थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग. और एक आखिरी क्वेश्चन, फाइंड कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर टू रन 30 वोल्ट 10 वैट लैंप कनेक्टेड इन सीरीज with AC supply of 220 volt and 50 hertz. ठीक है, ऐसे चार क्वेश्चन है, आपको होमवर्क करके सॉल्व करने की कोशिश करना.